ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पे। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर 7 सीरीज में 71 ऑनवर्ड्स। यस, 71 ऑनवर्ड्स का मतलब आप समझिए कि 10 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन दिस चैनल। 10 वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और उसमें से काफ़ी वीडियोज़ आपने देखी भी हैं। और उन वीडियो में से अगर किसी भी वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और उन वीडियो को भी गो थ्रू कीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। The very first expression, an offer one cannot refuse, एक ऐसा ऑफर जिसको मना ही नहीं कर सकते, मतलब a very attractive offer. Yes, we people will come up an offer you cannot refuse on Independence Day. Yes, MG Tech will throw an offer you cannot refuse. यानी बहुत एक अट्रैक्टिव ऑफर इंग्लिश के लिए हम लाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे पे। मीन्स एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव, ये तो लेना ही लेना है, इसमें तो ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है, राइट। मैनी कंपनीज विल कम अप विद द ऑफर्स यू कैन नॉट रिफ्यूज। कूल। द सेकंड कंसेप्ट वी हैव एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट मतलब सो ऑन और इस तरह की और भी चीजें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, ही स्पेंड हिज टाइम वॉचिंग टीवी एंड ऑल दैट, उस तरह की चीजों में ही वो अपना समय बिताता है। ही लाइक्स पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, ही लाइक्स बॉलीवुड एंड ऑल दैट। मीन्स ऑल दैट यानी बॉलीवुड और ये गाने और मूवी और एक्टर एक्ट्रेस, कौन सी मूवी रिलीज होगी, क्या होगा, उन सब में ही, राइट। सो ही लाइक्स बॉलीवुड एंड ऑल दैट और उस तरह की चीज़ें, राइट। आई लाइक फ्रूट्स, व्हाट रिच फ्रूट्स एंड ऑल दैट, राइट राइट। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव एंड काउंटिंग। एंड काउंटिंग मतलब और अभी भी जारी है, अ नंबर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। एंड काउंटिंग का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो बढ़ रहा है, वो घट भी रहा हो, ऐसा हो सकता है, राइट जैसे ही गॉट अ डोनेशन ऑफ 50,000 एंड स्टिल काउंटिंग। अब तक 50,000 का दान उसके पास आ चुका है और अभी भी आ रहा है, एंड स्टिल कंटिन्यू, वो चीज़ें अभी बढ़ रही हैं। यहाँ बढ़ेगा, दान मिलना कम नहीं होगा, वो कम होगा। He got a donation of 50,000 and still continue, और अभी भी जारी है, right? The corona cases, the COVID cases are like coming under 40 and still continue. 40 से कम आ गए और continue है मतलब और घट रहे हैं दिन पे दिन, right? The next is and so forth. And so forth means continue with similar things. He keep watching TV, eating, sleeping and so forth. यानी टीवी देखता है, खाता है, सोता है और बस इसी तरह के बाकी काम भी कंटिन्यू करता है, राइट। सो सिमिलर थिंग्स कंटिन्यू। एंड सो फोर्थ का मतलब है दो तीन चीजें बताइए, दो तीन एक्शन बताइए और उसी तरह के एक्शन फिर आगे कंटिन्यू। हाँ, इस तरह के और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है। हमने इसमें जो एक्सप्रेशन लिया है वो एक बार देखते हैं क्या लिया है। वी रिमूव देम फ्रॉम द टीम एट आवर रिस्क एंड सो फोर्थ। उसको अपने रिस्क पे हमने टीम से निकाल दिया और अभी जारी है, और को भी निकालेंगे यानी इस तरह की अगर कोई इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर करता है तो, राइट। एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट इज आंट्स इन द पैंट्स। यस, आंट्स इन द पैंट्स का मतलब है रेस्टलेस, बेचैन हो गया, एंजाइटी बिल्ड हो गई है, घबराहट बिल्ड हो गई है। मैनी पीपल फील आंट्स इन द पैंट्स जस्ट बिफोर देयर इंटरव्यू, इजंट इट। बहुत सारे लोग होते हैं रेस्टलेस हो जाते हैं, है ना। वंस योर रिजल्ट इज ऑन द कार्ड्स, रिजल्ट आने वाला हो, कल रिजल्ट आएगा, सो ओवरनाइट पीपल फील आंट्स इन देयर पैंट्स, रेस्टलेस रहते हैं, रात को नींद ही नहीं आती, दे फील आंट्स। यानी पैंट में अगर कोई चींटी घुस जाए, अरे है यार कुछ है, right? So ants in the pants means restless just before the night of your result, annual result. Many people feel ants in the pants just before the interview. People feel ants in the pants, right? Now here we have the last expression, any Tom, Dick and Harry. हिंदी में समझिए इस बात को, टॉम एंड डिक हैरी, टॉम डिक एंड हैरी सॉरी, इसको बोला जाता है, हिंदी में नहीं बोलते ऐरा गैरा नथू खैरा। I don't meet any Tom, Dick and Harry. मैं किसी ऐरे गैरे नत्थू गैरे से नहीं मिलता। I don't work with any Tom, Dick and Harry. I don't work with any Tom, Dick and Harry. किसी ऐरे गैरे नत्थू गैरे के साथ मैं काम नहीं करता, right? So do not believe in any Tom, Dick and Harry. किसी ऐरे गैरे नत्थू गैरे की बात पे यकीन मत करना, right? Are you Tom, Dick and Harry? आप ऐरे गैरे नत्थू गैरे में से तो नहीं हो? No, I'm not. I'm not a Tom, Dick and Harry. Don't take him for granted. He is not Tom, Dick and Harry. उसको हल्के मत लेना, ऐरा गैरा नत्थू गैरा नहीं है, Don't take him for granted. He is not any Tom, Dick and Harry. He is a special talent, right? तो यहाँ जाके वीडियो खत्म हो गई है। अब आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो के लिए मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्लिक कीजिए पिछली वीडियोस के लिए। लास्ट हमारी जो वीडियो थी जहां हमने अप टू 70 इस तरह के सुपर 7 सीरीज में जो 10वीं वीडियो थी हमारी, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आई बटन पे क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो देखिए। और बाकी किसी भी वीडियोस को दोबारा से देखना चाहते हैं या नए सिरे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।